नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों आज हम कुछ विशेष प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिसके माध्यम से बहुत ही आसानी से किसी प्रकार का जो दशमलव वाला जो संख्या दिया होगा जिसको हम क्या बोलेंगे आवर्त दशमलव, जो आवर्त दशमलव होता है जिसका जो मान है वो अनंत तक जाता है, मतलब दशमलव के बाद की जो संख्या है वो बार बार पुनरावृत्ति होती है, उस प्रकार के संख्या को हम क्या करें परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने कुछ संख्या लिख रखा है, जैसे 3.3 और उसके ऊपर में लिखा है बार, यहाँ पर 1.5 ऊपर में लिखा है बार, यहाँ पर क्या लिखा है 3.8 और ऊपर में लिखा है बार। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर इस संख्या को हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे 3.333, इसको हम कितना बार लिखेंगे पता नहीं कितने बार लिखेंगे। उसी प्रकार इसको हम लिखना चाहें क्या लिखेंगे 1.5, और जिसके ऊपर बार लगा हुआ है वो क्या होता है उसकी पुनरावृत्ति होती है। इस प्रकार यहाँ पर देखिए 3.8 है तो इसमें 8 के ऊपर एक बार लगा, मतलब 8 जो है पुनरावृत्ति करेगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के कोई भी संख्या को हमको क्या करना है P/Q के रूप में लिखना है, मतलब परिमेय संख्या मतलब P/Q के रूप में लिखना है। तो हम कैसे करेंगे इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, बहुत ही सरल तरीके से आज मैं बताऊंगा कि हम क्या कर सकते हैं, जो आवर्त दशमलव होता है इस प्रकार का जो दशमलव होता है उसको हम परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और आल को टच करना ना भूलिएगा। आइए आज के प्रश्न को हम देख लेते हैं। किसी भी संख्या को जो इस प्रकार का दिया होगा, जैसे हम इसी प्रश्न को ले लेते हैं, जैसे हमें दिया है 3.3, इसको हमें लिखना है P/Q के रूप में। ठीक है, तो इसी को हमें P/Q के रूप में लिखना है तो हम इसको P/Q मान लेते हैं जी, हो गया। लेकिन इसको हमें परिवर्तित रूप में लिखना है, मैंने बताया इस रूप में, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे P/Q को हम लिख सकते हैं 3.3333। यहां पर आप देखिए इसको हम कितने बार भी लिख सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार आप इसको 3, 4, 5, 6 बार जितना बार भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये हमारा समीकरण नंबर 1 है तो इसी समीकरण को यदि हम क्या करें 10 से गुना कर दें, चलो इसको हम 10 से गुना कर रहे हैं, तो ये देखिए हमने इसको 10 से गुना कर दिया। अब 10 से गुना करेंगे तो 0.1 स्थान इधर सरकेगा, इसका मतलब ये है इसको हम लिख सकते हैं 33.333। ध्यान दीजिए दशमलव के बाद में जितनी संख्या आपने लिखा है उतनी संख्या यहां पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर 3 अनंत बार आया है तो हम आवश्यकता अनुसार जितने बार हो लिख सकते हैं। तो हमने इसको भी कितने बार लिख दिया 4 बार लिख दिया, और ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब ऐसा करने से हमें फायदा हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, यदि हम समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करते हैं, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं हम घटा दें, तो जो संख्या बड़ा है उसमें हम छोटी संख्या को घटाएंगे, मतलब समीकरण नंबर 2 में अगर समीकरण नंबर 1 को घटा दें तो ध्यान दीजिए यहां पर 10 P/Q में यहां पर कुछ नहीं, मतलब 1 P/Q है, तो भाई 10 में आपको 1 को घटाना है और ये हो जाएगा P/Q। इधर आपको 33.3333 में 3.333 को घटाना है, मतलब इसको मैं रफ यहां पर हल कर दूं, ध्यान दीजिएगा अगर मुझे 33.333 इसको हम उतने बार ही लिखेंगे जितना भी नीचे वाले, उसको हमें घटाना होगा 3.3333, इसको हमें क्या करना है घटाना है। तो भाई ये तो पूरा क्या हो जाएगा घट जाएगा, मतलब इधर तो हमें 0 ही मिलने वाला है, लेकिन यहां पर देखिए 33 में आपने 3 को घटाया है तो यहां पर आपको कितना मिल रहा है केवल 30 मिल रहा है। ध्यान दीजिए इधर 0 हो गया, केवल 30 मिल रहा है, मतलब इधर आपके पास कितना बचा केवल 30 बचा। अब देखिए यहां पर आप देखिए 10 में जब आप 1 घटाएंगे तो यहां पर आपको कितना मिल जा रहा है 9 बच जा रहा है और ये हो जाएगा P/Q। ठीक है, यहां कितना बच गया है 30, मतलब यदि हमें 9 है, ये देखिए ये 9 है, 9 को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 30/9, ये हो गया खत्म। अब देखिए इसको हम क्या करना है, इसको हम कुछ हल कर सकते हैं, तो यहां पर देखिए अगर यदि इसको मैं हल करूं तो इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूं, मतलब P/Q बराबर कितना 30/9। अब इसको हम हल कर सकते हैं, देखिए यहां पर कैसे हल करेंगे 3 × 1 = 3, 3 × 0 = 0 हो गया 3 × 3 = 9, मतलब इसको 10/3 के रूप में लिख सकते हैं। यही जो है क्या है इसका, ये देखो इसका P/Q के रूप में इसका रूपांतरण हो गया है, मतलब 3.3 ये जो दिख रहा है इसको हम P/Q के रूप में जब बदले तो इसका मान कितना आया 10/3।
तीन मतलब 10/3 वह संख्या है जिसको हम हल करें, इसको हल करेंगे तो इसका मान जो है इतना ही आएगा, करके देख सकते हैं। चलो इसको मैं आपको हल करके बता भी देता हूं, उसके बाद एक और उदाहरण देख लेंगे और एक प्रश्न मैं आपके लिए दूंगा जिसको आपको हल करके मुझे बताना होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर अगर मैं क्या करूं, 10/3 को मैं हल करूं तो आंसर इतना ही आना चाहिए, तो करके देख लेते हैं। 3 × 1 = 3, यहां पर देखिए 3 × 9 कितना बचा, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, ठीक है, फिर 10 हो जाएगा, 3 × 9, अब तो दशमलव लगाने की आवश्यकता नहीं है, फिर कितना बचा 1, फिर 3 × 9 = 3, 3 × 9 = 3, 3 × 9 = 3, 3 × 9, मतलब ये 3 दशमलव और 3 के बाद, मतलब इसके बाद कोई भी संख्या जो बार बार आता है उसके सामने ये लगा देते हैं। तो ये देखिए आपका प्रश्न हो गया है। आइए इसी प्रकार के एक और प्रश्न देख लेते हैं ताकि आपको यह जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही आसानी से समझ आ जाए। तो चलिए इनमें से कोई एक और प्रश्न है जिसको हम बना लेते हैं, फिर इनमें से कोई एक प्रश्न को आपको ही बनाकर मुझे बताना होगा, ठीक है। चलिए यहां पर हमने ये प्रश्न तो बना लिया, ये प्रश्न मैं और बता देता हूं, बाकी ये वाला प्रश्न आप मुझे बनाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना, कि इसको हम P/Q के रूप में कैसे लिख सकते हैं। चलो तो 1.5 है, 1.5, ठीक है, ये बार है, बार का मतलब होता है, चलो इसको हम P/Q के रूप में इस प्रकार लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो P/Q के रूप में लिखेंगे तो इसका पहला रूप तो हम इस प्रकार कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 1.5। अब इसको हम जैसे हटाएंगे तो ये कितने बार हम लिख सकते हैं इसको, अनंत बार, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ध्यान दीजिए इस प्रकार के प्रश्न को हम जब भी बनाते हैं ना तो यहां दशमलव जो स्थान है उसको एक स्थान सरकाते हैं, एक स्थान सरकाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से गुना करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए यहां पर अलग अलग संख्याओं के आधार पर इसके अलग अलग पैटर्न होते हैं, कभी हम 10 से गुना करते हैं, कभी 1000 से गुना करेंगे, कभी 100 से गुना करेंगे, ठीक है, उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, आज केवल इस प्रकार के पैटर्न पर चर्चा करते हैं, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न को हम बनाएंगे, यदि इसको हम 10 से गुना करेंगे, देखो सॉरी अभी इसको 10 से गुना नहीं करें, समीकरण नंबर 1 है और इसको जब हम 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा P/Q, 10 से गुना यहां पर कर रहे हैं तो 10 से गुना करेंगे तो एक स्थान सरक जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1.5 था तो ये 15 हो जाएगा 0.5। अब जितना 5 यहां पर लिखे दशमलव के बाद उतना ही 5 यहां पर आप लिख सकते हैं क्योंकि इससे मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समीकरण नंबर 2, अब यहां पर भी आपको क्या करना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना है, तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, इसमें इसमें घटाएंगे इसको, तो 10 में आपको 1 को घटाना होगा इसको, तो ये P/Q तो होगा ही होगा, लेकिन यहां पर देखिए 15 में आपको घटाना होगा किसको, 1 को, बाकी दशमलव के बाद की संख्या पूरा कट जाएगा, मतलब आपके पास यहां पर केवल कितना बचेगा, ये केवल 14 बचेगा क्योंकि इसको घटाएंगे तो केवल 14 बचेगा। अब देखिए यहां पर तो कितना बचा, 9 ही बचा है, इसका मतलब यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर देखिए यहां पर आ जाएगा 9 और ये P/Q है भाई, ये P/Q है, बराबर आपके पास बचा है 14। अब इसको जब आप हल करोगे तो आपको P/Q के रूप में एक संख्या प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा 14/9। अब ये 14/9 जो है देखिए परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित हो गया है, इसको जब आप हल करोगे तो इसका मान 1.5 इतना ही आएगा, 1.555 कई बार आएगा, अनंत बार आएगा, हल करके देख भी लेते हैं। 9 × 9 इसको देंगे भाग, तो 9 × 9 एक बार जाएगा, कितना बच गया, 9 × 9 करें तो कितना बचा है 5, कितने बार जाएगा 9 × 5 = 45, अब कितना बचा, फिर 5 बचा, मतलब 9 × 5 = 45 ऐसा आता जाएगा और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.5 करेंगे, यहां पर बार चढ़ा देंगे। तो दोस्तों ये बन गया आपका प्रश्न, मतलब किसी भी जो दशमलव की जो संख्या दिया रहेगा है ना, जो क्या होगा आसान होगा, उसको हम क्या कर सकते हैं इस प्रकार परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, निश्चित रूप से आपने वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, ये वाला जो प्रश्न है इसको आपको मुझे क्या करना है, P/Q के रूप में लिखना है और किस रूप में हम इसको लिख सकते हैं, मतलब 3.8 ये जो दिख रहा है इसको हम P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे, इसको आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और निश्चित रूप से आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो नीचे मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में आपको 2 शानदार वीडियो के लिंक दिखाई दे रहे हैं उसको क्लिक करिए और वीडियो का आनंद लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।